याद रखिएगा, दारू बहुत खराब चीज है। तो सामने बापू का तस्वीर देख न रहे जी, और उसके बगल में जो देख रहे हो बापू सभाकार है। आप सब लोगों को यही हम आज बुलवाए, इसलिए क्राइम को कंट्रोल करना है अगर, तो ये जरूरी है कि जो भी करता है अपराध उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं को 35% का आरक्षण होना चाहिए पुलिस बल में। आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, अब उनको हमने स्पेशल ऑक्जिलियरी पुलिस सैप कह करके हम बहुत लोगों को बहाल किए। कानून का राज स्थापित, अब इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 215 सब इंस्पेक्टर सार्जेंट, 1998 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 8246 पुलिस कांस्टेबल सिपाही को मिलाकर ये सब हो रहा। तो अब इसमें सभी जो है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून का राज स्थापित, अब इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण और सभी आयामों पर काम किया जा रहा है, ये आप सब लोगों को मालूम है। सब लोगों ने इन बातों की चर्चा कर दी है, अब इसमें आप सब लोगों का दायित्व तो है। और हम तो जब से काम करने का मौका मिला है और तब से ही हमने कहा कि भाई पुलिस बल की संख्या बढ़ाइए। पहले यहां पुलिस बल की संख्या थी 42,481, अब उसके बाद जरूरत था कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है। तो हमने शुरू से ही कहा कि इसकी संख्या बढ़ाइए, इसकी संख्या बढ़ाइए, और इसके लिए काम करने के लिए हमने बराबर कहा और कोशिश करवाया। और उस समय तो जब हमको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने जो आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, अब उनको हमने स्पेशल ऑक्जिलियरी पुलिस सैप कह करके हम बहुत लोगों को बहाल किए। हमने कहा कि यहाँ पर रहेंगे और वो काम करते रहेंगे, देखेंगे खास करके जो कुछ भी होगा। तो इस सब को, इन सब चीजों से तो बिल्कुल अपराध नियंत्रण के लिए वो काम कर सकेंगे। तो उस समय जो हमने बहाल किया शुरुआती दौर में, और हमने तो कह दिया है कि उनको भी कायम रखिए, और जब 60 साल के हो जाएंगे तभी वो धीरे रिटायर करते चले जाएंगे। लेकिन सब लोगों को, यानी जो पुलिस जो कर्मी थे, आप समझ लीजिए हम चाहते थे, और उसके बाद हमने संख्या करवाया पूरे देश का, तो उस सब में जो आया था कि 1,00,000 की जनसंख्या पर जो हमने बहुत कराया था, ये 10 की बात हम कह रहे हैं, तो उस समय जो आकलन था उसमें था 115, यानी 1,00,000 की आबादी पर 115 पुलिस के लोग थे। हमने कहा भाई यहां इतना कम है तो अपने यहां भी जो 1,00,000 की आबादी पर 115 होना चाहिए, तो उस समय तो हमने तय करवा दिया था 1,52,232 पद। अब उस समय से हम लगे हुए हैं, तक कुछ साल तो ही लगातार ही लोग 8,000-9,000 तीन बार करते रहे, और तब से बंदे किए हुए थे। तो हमने फिर इधर कहा, तो खैर दो बार से तो तीन बार से तो कोरोना का दौर चल रहा था, तब भी जब भी मीटिंग करते थे, आपको हम बता देते हैं, तब भी हम कहते थे कि भाई ये देर हो रहा है, तेजी से करिए और लोगों को बहाल करना। तब तो खैर आपने आज किया है तो 10,04,59 को किया है, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर के 1,08,000 हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि अब पहले से जो हम तय किए हुए हैं उस हिसाब से 1,52,000 है, और उस हिसाब से अभी भी आपका जो बचा हुआ है 44,00,000, उसमें देरी मत कराइएगा। अब मुख्य सचिव और सब लोगों से हम बात करते रहते हैं, महिलाओं को 35% का आरक्षण होना चाहिए पुलिस बल में, और उसी समय से जो शुरू कर दिए तो उसका नतीजा क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अभी तो 25% पर पहुंचे हैं। अब आज जो
जितना हुआ है तब वो करीब करीब 27-28% पर आज आप पहुंच जाइएगा। लेकिन भाई 35% पहुंचाना है ना कम से कम, और उसके आगे जितनी संख्या बढ़ जाए और खुशी की बात होगी, लेकिन उतना तो बढ़ाइएगा। तो खाली पुरुष लोग मत रहिए, नाराज मत रहिए, और खाली महिला के खुश करने की बात नहीं है। अरे जो जन्म लिया है किससे जन्म लिया है? मां से ने जन्म लिया है, इसलिए कभी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहना चाहिए। अगर हम भी हैं, आप भी हैं, पुरुष हैं, तो मां ही ने जन्म दीजिए, इसलिए महिला को भूलिएगा। इसलिए तो हम चाहते हैं, चूंकि मां ने जन्म दिया है इसलिए हम सब जगह चाहते हैं कि महिलाओं की पूरी संख्या होनी चाहिए। और गांधी हमको बोले हम कि गांधी मैदान में करिएगा, तो गांधी मैदान में न है तो सामने बापू का तस्वीर देख न रहे जी, और उसके बगल में जो देख रहे हो बापू सभाकार है। तो आप सब लोगों को यही हम आज बुलवाए कि जरा जान लीजिए और याद करिएगा, भूलिएगा कभी नहीं, अपने राष्ट्रपिता को कभी मत भूलिएगा, बापू को याद रखिएगा हमेशा। इसलिए यहीं पर आप लोगों को नियुक्ति दी जा रही। पहले से हम कह रहे थे, बताइए ना साथ से, कि भाई इसको दो हिस्सा में बांटना है। एक तो करेगा केस का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और एक हिस्सा जो है करेगा वो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, विधि व्यवस्था को देखेगा। बड़ा समय ही लोग लगाए, हम कहते रहे इन लोगों को साथ से, लेकिन लगाए हैं बहुत समय, तो अंत में अब जाकर के कर दिए हैं दो हिस्सा में, तब काम ना होगा जी। अब कम से कम कोई भी जो क्राइम होता है और केस दर्ज हो जाता है तो उसको लगातार तेजी से उसको देखना और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट करना, जो भी केस हुआ है उसके लिए भी तो जरूरी चीज है। तो एक हिस्सा इन्वेस्टिगेट करते रहेगा और एक हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहेगा। पहले दो हिस्सा में नहीं बांटे थे तो सब लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में भेजे रहते थे और जो काम था उनका उसको नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन का काम। अब इन्वेस्टिगेशन का काम तेज हुआ, पहले 90 दिन का रखा हुआ था, हमने कहा 60 दिन के अंदर पूरी जांच करके केस दर्ज करिए, वो बिल्कुल होना चाहिए ताकि लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तब उसमें कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि बाकी चीज के लिए भी तो आपको कह रहे हैं कि अब 60 दिन में तो कम से कम करिएगा ना जी। लोग केस दर्ज करता है और जांच नहीं करिएगा, और जो गड़बड़ करने वाला है उस पर आप केस दर्ज हुआ है और उस पर अंतिम कार्रवाई नहीं करने के लिए कोर्ट में नहीं भेजिएगा तो फिर कैसे होगा। इसलिए क्राइम को कंट्रोल करना है अगर तो ये जरूरी है कि जो भी करता है अपराध उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जितना बहाली करना है बहाली करवाइए तेजी से, सबका ट्रेनिंग समय पर कराइए, और जितना भी जो काम हम बता रहे हैं हर तरह के काम में लोगों को खूब ठीक से लगा दीजिए ताकि क्राइम कंट्रोल होगा, यही हम लोगों की पूरे तौर पर इच्छा है। तो अब तो आप सभी जान ही रहे हैं कि अब सब हम लोग है। और दूसरा बात है कि बिल्डिंग का भाई उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, खाली बिल्डिंग बनाना नहीं है, इसलिए एक डिपार्टमेंट है। आप बताइए वो तो खत्म होने वाला ना था जी, हमने उन्हीं को जिम्मेवारी दिया, तब अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, नाम ले ही लिया, तब मेंटेनेंस के लिए एक दिन बोल रहे थे, आप पूरा का पूरा मेंटेन करिए तभी ना भाई ठीक रहेगा। याद रखिएगा दारू बहुत खराब चीज है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा पूरे तौर पर, एक एक करके लोगों को। बहुत लोग जो छोड़ दिए हैं आज देख रहे हैं ना कि कितना बेहतरी स्थिति आ रही है, लेकिन कुछ लोग तो है ही है भाई। अरे जो जन्म लेता है सब ठीक होता है, कुछ तो गड़बड़ रहवे करेगा, लेकिन नजर रखिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को ठीक रखिएगा। 90% तो तुरंत ठीक हो गए, लेकिन 10% में भी जितना लोगों को ठीक कर पाइए उतना अच्छा रहेगा, यही हम आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे। खुद मत पीजिए और दूसरों को पीने भी मत दीजिए, और सब काम बहुत मजबूती से करिएगा। ताज जो शपथ लिए हैं उस हिसाब से करिएगा ना जी, हाथ उठा के बताओ सब लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप काम पूरा बुलंदी से करिएगा, यही आप सबसे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप पुनः आप सब लोगों को
बधाई देते हुए और विभाग के सारे अधिकारियों को, मैं विशेष तौर पर आज आपने वचन ले लिया है इसलिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।